गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के एक्सरसाइज 6.5 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ, इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस बतानी है हमें। जैसे 3/8 की हमें 1/2 से डिग्री ऑफ क्लोजनेस बतानी है, तो हम इसे कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम इसे करेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसे जो 1/2 हमें दे रखा है यहाँ पे, जो 8 है ना, इसको भी हम 2 को भी 8 कर लेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। हमारा जो डेनोमिनेटर है वो सेम करना है, क्योंकि हमें 2 को हमने जो जिससे हम नीचे डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम न्यूमिनेटर को भी करेंगे, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, तो 4/8 आ गया। अब हम इसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस बता देंगे। जैसे 3/8 है तो हम इसमें 1/1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 4/8 आ गया। तो कितनी बार में आ गया ये? 1 बार में। तो इसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है इससे वो 1 है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4/10 और 4/10 टू 7/10 बतानी है। तो 4/10 इसमें तो उसका सेम है, नीचे डेनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम है, तो हम इसमें 1 प्लस करते जाएंगे। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है वो हमारा 3 है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला देखते हैं, इसकी जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगी वो हमारी सब्ट्रैक्शन के द्वारा निकलेगी। उसमें ऐड कर रहे थे हम, इसमें सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, तो बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे इसे। जैसे 2/15 है, सॉरी यहाँ पे 2/5 है ना, 2/5 है, तो इस 5 को हम 15 कर लेंगे पहले। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से हम नीचे मल्टीप्लाई करें उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6/15 आ जाएगा हमारा। अब इसे हम माइनस करते जाएंगे एक एक करके, जब तक हमारा 6 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसे 1/1 करके माइनस करते रहेंगे। इसे 12 में से 15 माइनस किया तो 1/15 आ गया, 11 फिर 11 में माइनस करेंगे 1/15 तो 11/15 आ गया, 11/15 में से 1 माइनस करेंगे तो 10/15, 10/15 में से करेंगे तो 9 में से 1 तो 8, 8 में से 1 तो 7, 7 में से 1 तो 6, हमें कितना लाना था? 6/15 लाना था ना, तो कितनी बार में आया ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके क्लोजर जो है वो डिग्री और क्लोजनेस जो है वो 6 है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8/9 और 2/3 का जो है वो 8/9 जो तो हमारा यही है, फिर उसका 2/3 है, इसको भी हम 9 कर लेंगे, जो क्योंकि हमारा ये डेनोमिनेटर 9 है, तो इधर वाले का भी डेनोमिनेटर 9 कर लेंगे हम। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, जितने से हम नीचे मल्टीप्लाई करें उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6/9। हम इसके हम 6/9 करना है ना, तो 8/9 है, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7/9, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6/9। तो ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8/9 में से 2/3 को, तो हमारा डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है इसका वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लो आज, बी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं इसका, ठीक है।